आज हम क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत ही क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का है, उसमें क्या है 19वां 20वां क्वेश्चन हम आपको लगा हुआ पढ़ा देंगे। जो चीज समझे ना उसको कमेंट्स करके भेजना मेरे पास, हम उसका सलूशन बताएंगे और एक क्वेश्चन और लगा के दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत सी बढ़िया है, काफी दिन बाद चैनल पर डाल रहे हैं आप सभी लोग, क्योंकि मेरी माँ बीमार हो गई थी इसलिए हम डिस्टर्ब हो गए थे। अब देखिए आप सब लोग क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन दैट में है, 19 क्वेश्चन नंबर है ये, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेट करना प्यारे, इंटीग्रेशन ही चैप्टर का नाम है। तो समाकलन, इंटीग्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, समाकलन। तो देखिएगा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख के दिया फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब 1 अपॉन कॉस एक्स, सब यहाँ पे वर्गांतर वाला फार्मूला लगा दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ से क्या किया अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे 1 dx माइनस cos x dx, तो 1 का समाकलन प्यारे बच्चों क्या होता है x होता है, cos x क्या होता है sin x होता है, और प्लस c, c क्या है प्यारे बच्चों, एक समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है प्यारे बच्चों। बहुत के क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, एक्सरसाइज 7.1 NCERT का है, NCERT एक क्वेश्चन नंबर उसी के पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.1, फार्मूला क्या प्यारे बच्चों है, ये सातवां फार्मूला है ये आठवां है, sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x और cosec स्क्वायर क्या होता है माइनस cot x प्लस c, ये सब में c एड होते हैं, इंटीग्रेशन साइन कॉन्स्टेंट कहलाता है ये, इसलिए अब क्या करना 20वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, इसको आज हमने प्लाई बोर्ड में समझाया था प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। cos 2x के तीन फार्मूले होते हैं, जिसमें पहले वाला हमने लगा दिया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, माइनस साइन अप्लाई कर दिया ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, अब क्या क्या साइन स्क्वायर एक्स पुनः लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ से क्या कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ से क्या लिया एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, वर्गांतर का फार्मूला लगा दिया यहाँ, फिर पूरे से हमें क्या कॉमन लिया 1 माइनस कॉस एक्स पूरे से कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, इतना आ गया क्या गया 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कितना होता 2 कॉस एक्स, यहाँ पे आइए प्यारे बच्चों 2 कॉस एक्स, और फिर 1 dx 1 का समाकलन, तो cos x क्या होता है sin x होता है, cos x का sin x, और 1 का समाकलन x plus c, ये प्यारे बच्चों देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, है? अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 18 लगा के दिखाएंगे अभी, अब देखना क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया सा क्वेश्चन है, 18 नंबर आपको अभी हम राइट कर रहे हैं, देखिए वो लगा के दिखाएंगे एकदम बिल्कुल, जहां समझे ना आए आप लोग पूछा करिए, क्वेश्चन नंबर 18 है 1 अपॉन 1 प्लस sin x, ये देखिए 19 नंबर हटा रहे हैं हम, आज आपके एक ही वीडियो में हम तीन क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 18 नंबर, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx, प्यारे बच्चों क्या करेंगे इसके संयुग्मी से अंशवाहर में गुणा कर दिया 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और dx, क्या मिल गया प्यारे बच्चों यहां से 1 माइनस, प्लस था माइनस से किया है, प्लस था माइनस से किया है, तो 1 माइनस साइन एक्स, यहां क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों वर्गांतर फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx, यहां से क्या प्यारे बच्चों मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्यारे बच्चों का हाईस्कूल का फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स, सब लोग जानते हैं इंटरमीडिएट में, यहाँ क्या मिल गया अलग अलग डिवाइड कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट, इसको लिख दो साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 बटे कॉस एक्स और डी एक्स, ये क्या प्यारे बच्चों मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन, ये हो गया सेक एक्स और ये हो गया 10 एक्स और डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स प्यारे बच्चों क्या होता है 10 एक्स माइनस sec एक्स प्लस सी, देखिए प्यारे बच्चों कितना बढ़िया आंसर आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था, तो 18 19 20
आज इस हमने वीडियो में तीन क्वेश्चन आप लोगों को कवर किए हैं। ये समाकलन का चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये लगभग 2000 में आया हुआ, 2022-23 में ये भी आए हुए सब क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हाँ, और प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको 17वां मिलेगा। तो आज हम तुम आप लोगों को चार क्वेश्चन एक ही दिन में दे रहे हैं, ये सब लोग तैयार करना। शॉर्ट वीडियो देखना हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर आपको 17 मिलेगा। तो 17, 18, 19, 20 यानी कि चार क्वेश्चन आप लोगों को आज तैयार करने हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।